नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइनर अरकाना के पेंटिकल्स के 9 नंबर के कार्ड के, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को, कि ये कार्ड सिंबोलॉजी क्या कहती है। 9 नंबर यानी मंगल का ये कार्ड है। हम इस कार्ड को देख रहे हैं कि ये कार्ड देखने से ही बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कलर बहुत ब्राइट येलो है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक वेल ड्रेस एक अकेली महिला खड़ी है, जो बहुत ही अच्छे कपड़ों में है, जो देख के ही ऐसा लुक दे रहा है कि वो जैसे रानी टाइप दिख रही है। उसके चारों तरफ पेंटिकल्स हैं, फ्रूट हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, मकान हैं। यानी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड को देखने से ही ऐसा लगता है कि इस कार्ड में सारा कुछ प्रेजेंट है। तो इस कार्ड के ओवरऑल सिम्बोलॉजी को हम देखें और मीनिंग को समझें, तो ये कार्ड इंडिपेंडेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यानी एक अकेली महिला है जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से खड़ी है और उसके पास सारा कुछ है। सक्सेस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, प्रॉफिट है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है, विजडम है, ग्रेस, ब्यूटी है, ये सारा कुछ ये शो कर रहा है। साथ ही गुड एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये शो करता है। तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव ये कार्ड है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसने अपने हार्ड वर्क से सारा कुछ कर लिया है। हाथ पे चिड़िया का बैठना, जैसा कि पहले भी मैं बताई हूँ कि चिड़िया का बैठना किसी गुड न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। पहाड़ स्टेबिलिटी को, ग्रीनरी ग्रोथ को, ये सारे कुछ, और बहुत सारे फ्लावर जो है नेम फेम प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। इस प्रकार ये कार्ड किसी भी सवाल के लिए अगर आता है तो आंसर इसका हाँ ही होगा। स्पेशली अगर ये कार्ड किसी लेडी के मैरिज से रिलेटेड अगर ये कार्ड आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यानी जिस घर में उस लड़की की शादी होगी वो बिल्कुल राज रानी की तरह वो राज करेगी। या किसी लेडी के बिजनेस के लिए अगर ये कार्ड आता है तो भी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है कि वो अपने हार्डवर्क से, अपने बलबूते वो सारा कुछ पालेगी। इस प्रकार ये कार्ड अगर लव एंड रिलेशन के लिए आता है तो भी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है। मनी एंड कैरियर के लिए भी ये पॉजिटिव है, ये रिवार्ड और अचीवमेंट को शो कर रहा है। हेल्थ के लिए भी ये पॉजिटिव कार्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स की। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी 1, जो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिम्बोलॉजी को। ये कार्ड भी पॉजिटिव कार्ड है। हम इसमें देख रहे हैं कि 3-4 पीढ़ियाँ इकट्ठी यहाँ पर खड़ी है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, खड़ा है, उसके बाद उससे ये है, साइड में यहाँ पर बच्चे को भी दिखाया गया है। बहुत सारे फ्रूट को हम देख रहे हैं, भवन भी है, ग्रीनरी भी है, सब कुछ है। तो ये कार्ड भी पॉजिटिव कार्ड है। यह कार्ड जो है एक बिल्कुल फैमिली के 4 पीढ़ियों को शो कर रहा है। यानी ये डोमेस्टिक हारमोनी को, फैमिली इवेंट को, सेलिब्रेशंस को, गैदरिंग को भी शो करता है। सिक्योरिटी को, हैप्पीनेस को, ये लाइफ के हर एरिया में हैप्पीनेस को शो करता है। तो ये कार्ड भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, फैमिली रिलेशंस के लिए एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ये फैमिली वैल्यू को भी शो कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि फैमिली में वैल्यू बूढ़े व्यक्ति की भी उतनी है जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। तो बिल्कुल 4 पीढ़ियों को यहाँ पर
शो कर रहा है। इस प्रकार ये कार्ड अगर लव एंड रिलेशंस के लिए भी आता है तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को शो करता है कि आप अपने रिश्ते को सॉलिड फाउंडेशंस को भी ये शो करता है। बिजनेस के लिए अगर ये कार्ड किसी बिजनेस के सवाल के लिए आ रहा है तो आप अपने फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। किसी जॉब के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है तो न्यू जॉब में आपको स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म में आपका वो बिजनेस चलेगा तो भी ये पॉजिटिव कार्ड है। इसके साथ ही ये साथ मिलकर के काम करने को भी ये रिप्रेजेंट करता है। हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है किसी हेल्थ इशू के लिए तो भी ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है और यह कार्ड मैरिज को, गैदरिंग को, सेलिब्रेशंस को भी ये शो करता है। तो दोस्तों इसके साथ ही अब मैं आप सब से विदा लेती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए जानकारी के साथ में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।